कस्टर्ड, उसके लिए हमने यहाँ 1 लीटर दूध लिया है। गर्मियों में या जब भी आपका मन करे हम ठंडा ठंडा टेस्टी फ्रूट कस्टर्ड बना करके खा सकते हैं। फ्रूट आप अपनी पसंद के अनुसार उसमें डाल सकते हैं, जो आप फ्रूट खाना चाहते हैं आप वो फ्रूट डालिए, एप्पल डालिए, अंगूर डालिए, स्ट्रॉबेरी, कीवी, चीकू, बनाना या पपीता, आप जो फ्रूट्स खाते हैं वो फ्रूट्स हम फ्रूट कस्टर्ड में डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ 1 लीटर दूध लिया है। सबसे पहले हम दूध को उबालेंगे और गाढ़ा करेंगे। दूध हमने गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही दूध थोड़ा गर्म हो जाएगा वैसे ही हम कस्टर्ड को घोल करके और साइड में रख लेंगे। मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून, 1 लीटर दूध में हमने 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है। चाहे तो आप इस तरह के टेबल स्पून से ले सकते हैं, या फिर जो हमारे पास खाना खाने वाला बड़ा चम्मच होता है वो थोड़ा बड़ा है तो उससे हम इस तरह से 3 चम्मच ले सकते हैं, या फिर हम ये वाला जो हमारे घरों में सबके में इस्तेमाल करने के लिए होता है तो हम इस तरह के 3 चम्मच भर के कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं। अब हम एक बड़ी कटोरी ले लेंगे और उसमें ये कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और इसमें 2-3 चम्मच दूध डाल करके और इसे हम घोल करके और साइड में रख देंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसे घोल करके और साइड में रख देंगे और अब हम पहले दूध को गाढ़ा करेंगे। ये देखिए दूध में हमारे उबाल आ गई है और अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम लो कर लेंगे और लो फ्लेम में हमें इसे उबालना है, पकाना है। दूध आप अच्छा फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए दूध हमें हमेशा एकदम फुल क्रीम बढ़िया दूध लेना होता है। तो अब हम इसको, ये देखिए इसमें उबाल आ रही है, इसी तरह लगातार उबाल आते हुए हमें इसे पका लेना है। हमें इसे आधा नहीं करना है, आधा तो बहुत कम हो जाता है। तो हमने जैसे 1 लीटर लिया है तो 1 लीटर को हम 700 ml के लगभग कर लेंगे। इसे इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते हुए और 15 मिनट उबाल लेना है। ये देखिए हमारे दूध को उबलते हुए 15-20 मिनट हो गई है लगभग और दूध हमारा आप देख पा रहे होंगे कि गाढ़ा हो गया है। और जितना हमने दूध लिया था तब हमारा दूध यहाँ था और अब हमारा दूध यहाँ है। तो कम से कम ये 350-300 ml दूध हमने जला दिया है और अब हमारा दूध 700 या 650 ml हमारा दूध बचा है। शक्कर यहाँ मैंने 100 या 120 ग्राम हमारी शक्कर है, आधा कटोरी शक्कर ली है। शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप ज्यादा डालें और कम पसंद हो तो आप कम डालें, ये मीडियम मीठा है। सबसे पहले अब हम इसमें ये शक्कर डालेंगे और फिर से दूध में एक उबाल आने देंगे। ये देखिए हमारे दूध में फिर से उबाल आने लगी है, शक्कर हमारी अच्छे से घुल गई है। पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि कस्टर्ड नीचे जम जाता है, तो पहले हम इसे अच्छे से दूध में फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। वनीला फ्लेवर्ड हमने कस्टर्ड लिया है, अब हम थोड़ा थोड़ा करते हुए इसे दूध में डालेंगे और लगातार दूध को हिलाते रहेंगे इस तरह से। देखिए कैसे हमारा दूध डालते ही गाढ़ा हो गया है और अब हम इसमें सिर्फ एक उबाल आने देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर एक बार इसमें मीठा टेस्ट करके देख सकते हैं, अगर आपको मीठा कम लगे तो आप इसमें थोड़ी शक्कर और ऐड कर लें। और बस हम इसे 2-3 मिनट और पका लेंगे। ये देखिए हमारा कितना गाढ़ा हो गया है और जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। अब हमें इसे 2 मिनट जितना भी हमें इसे पकाना है हमें इसे लगातार हिलाते हुए पकाना है कि ऐसा ना हो कि उबाल आने के बाद, गाढ़ा होने के बाद हम इसे छोड़ दें और हमारा कस्टर्ड पाउडर नीचे तले में जल जाए, तले में चिपक जाए, लग जाए, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो 2 मिनट हम इसे पकाएंगे, तब तक हमें इसे इस तरह से लगातार हिलाते हुए पका लेना है। 2 मिनट हो गई है और कस्टर्ड हमारा पक गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे। हमें इसे इतना ठंडा होने देना है कि हम इसे आराम से फ्रिज में रख सकें। जब ये इतना ठंडा हो जाएगा तब हम इसे फ्रिज में रखेंगे और 1 घंटा पहले हम इसे फ्रिज में ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसे निकाल करके और इसमें फ्रूट मिक्स करेंगे। हमारे कस्टर्ड को रखे हुए 1.25 घंटा हो गया है और कस्टर्ड हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है, वो फ्रिज में रखा हुआ है। अब सबसे पहले हम फ्रूट्स काट लेंगे और उसके बाद हम कस्टर्ड फ्रिज में से निकाल के लाएंगे। तो ये देखिए अंगूर, अनारदाना ये हमने ले लिए, अगर बड़े हो तो अंगूर अंगूर को बीच में से काट लें, छोटे तो साबुत रख लें। इस तरह से हमने अंगूर अनारदाना तैयार कर लिया है। अब हम एप्पल और पाइनएप्पल काटेंगे। एप्पल हम पूरा नहीं लेंगे, सिर्फ आधा एप्पल लेंगे, पूरा एप्पल बहुत ज्यादा हो जाएगा। कम से कम 1.25 बाउल हम फ्रूट ले लेंगे सारे मिला करके। और अब हम इस तरह से इसमें से एक लेयर और निकाल लेते हैं ताकि हम
एप्पल को अच्छा छोटा छोटा काट सके, इस तरह से छोटा छोटा काट लेंगे। और इसी तरह से हम पाइनएप्पल काट लेंगे। पाइनएप्पल में ये जो रेशे हैं इन्हें हम निकाल लेंगे और फिर पाइनएप्पल काट लेंगे। ये देखिए हमने एप्पल और पाइनएप्पल भी काट लिया है। आप साइज पाइनएप्पल का, एप्पल का ज्यादा छोटा भी ना करें और ज्यादा मोटा भी ना रखें। इस तरह से हमने देखिए साइज कर लिए हैं। तो इस तरह से एप्पल, पाइनएप्पल और सारे फ्रूट मिलकर के एक बाउल हमारे फ्रूट हो गए। और ये कस्टर्ड जो देखिए कितना गाढ़ा हो गया है, ऐसे जैसे एकदम बस अभी थोड़ी देर में जम जाएगा अगर हम इसे फ्रीजर में रख दें तो। अब हम इस कस्टर्ड को एक बार जार में डाल के और थोड़ा सा फेंट लेंगे, उसके बाद हम इसमें फ्रूट्स मिलाएंगे। ये देखिए हमने इसे एक बार फेंट लिया है और एक बार फिर से ये लिक्विड हो गया है जैसे। तो अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे और ये सारे फ्रूट हम इसमें डाल करके और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब की बार हम इसे फ्रीजर में रखेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और फिर हम इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। आधा घंटा हो गया हमें कस्टर्ड को फ्रीजर में रखे हुए और ये देखिए ये हमारा एकदम कस्टर्ड तैयार हो गया है। अब हम इसे सर्व करेंगे। आप चाहे तो इसे इस तरह ग्लास में सर्व कर सकते हैं या आप इसे कटोरी में भी सर्व कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरह से सर्व करके बताती हूँ। अगर हम ग्लास में कर रहे हैं तो हम नीचे इसमें थोड़े इस तरह अनारदाने और फ्रूट और डाल सकते हैं और फिर इसमें हम कस्टर्ड को अच्छे से मिक्स करके और फिर डालेंगे। फिर हम इसमें एक लेयर और डाल सकते हैं इस तरह से। ये हमारा टेस्टी और ठंडा ठंडा फ्रूट कस्टर्ड बनकर के तैयार हो गया है। आप इसे कभी भी गर्मियों में, यहाँ तक कि अगर हमारी फ्रूट आ रहे हैं इस तरह के सारे और हल्की ठंडी है, हमारी फ्रूट कस्टर्ड बनाने की इच्छा हो तो हम इस तरह से बना के खा सकते हैं। रही सर्व करने की, मेहमानों को सर्व करना है या आप खुद को अच्छे से सर्व करके खाना है तो आप किसी तरह से इन्हें सर्व कर सकते हैं। आपके पास बड़े ग्लास हैं, आप ग्लास में सर्व कर सकते हैं या आप बाउल में सर्व कर सकते हैं। आप जैसे चाहे इन्हें प्रेजेंट करके अपने मेहमानों को खिलाइए। बहुत ही अच्छा कस्टर्ड बनाए, अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स रिश्तेदारों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।